हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है, उससे मैं अगर आप लोग मैं पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ हो जाता है, लेकिन इस वाले अकाउंट में मेरा पैसा जो है बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये 15 रुपये हैं, यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र टू बैंक पे क्लिक करूँगा। जैसे कि ये आप लोगों को पेटीएम वॉलेट का पैसा होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता है, और ये जो पैसा यहाँ पे दिखाई देता है तो यहाँ पे मिलता है ट्रांसफ़र टू बैंक। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यहीं से इसी ऑप्शन से आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है अकाउंट स्टेटस समरी, यहाँ पर बोल रहा है गेट मोर बेनिफिट, सबसे पहले बोल रहा है सेंड मनी टू फ्रेंड ट्रांसफ़र, तो ये यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका जो पेटीएम का KYC है वो नहीं हुआ है, फुल्ली जो KYC होता है वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो ये पैसा है इसको अगर आप लोग बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने पेटीएम का जो है KYC कर लीजिए, फुल KYC। यहाँ मिल जाता आप लोगों को अपग्रेड योर अकाउंट नाउ, यहाँ पे जस्ट आप लोग क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ मिल जाता है वीडियो KYC, कीप योर आधार एंड पैन कार्ड, और ये बोला स्टेप और टू फॉलो, एंटर एडिशनल डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर KYC, वीडियो चैट फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब यहाँ मिल जाता है विजिट ए नियर बाई KYC स्टोर, तो आप लोग KYC स्टोर पे जाके अपनी KYC करवा सकते हैं। और वीडियो कॉल पे आप लोग यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपने आधार कार्ड का जो नंबर डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आप लोग की जो कॉल है, एक वीडियो कॉल है, वो एक पेटीएम कस्टमर के एजेंट से लगेगी, और वहाँ पे वो आपकी KYC कर देंगे। KYC में आप लोग के पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आप लोग को मतलब आपका जो है ऐसी जगह चले जाना होगा जहाँ पे आप लोग के फेस पे लाइट सही पड़े, क्योंकि वीडियो KYC के जरिए आपका वेरिफिकेशन होगा और KYC होगी, ठीक है। तो ये बस आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, कंफर्म कीजिए, और आप लोगों का कॉल कनेक्ट हो जाएगा और आपके पेटीएम का KYC हो जाएगा। तो फटाफट से मैं अपने पेटीएम की KYC कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरे पेटीएम की KYC हो चुकी है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बैक करता हूँ, और मैं जब पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 रुपये पहले ट्रांसफ़र कर लिए थे। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोग का इंटरफेस मिल जाएगा। अब आप लोग को मिलता है ट्रांसफ़र टू बैंक, यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पहले आप लोग के ऑप्शन आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप लोग का अमाउंट डालने के लिए आएगा। तो मैं 10 रुपये डालूंगा और प्रोसेड के बटन पे क्लिक करूँगा। ये बोल रहा है मिनिमम आपके पास 20 रुपये होने चाहिए, तो मिनिमम जैसे ही 20 रुपये हो जाएंगे तो यहाँ से आप लोग अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा है वो आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने पेटीएम में अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोग का जो पैसा है बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो आप लोग अपना पेटीएम का फुल KYC करवा लीजिए एजेंट के थ्रू या वीडियो KYC के थ्रू, और जैसे आप लोग KYC कर लेंगे तो आप लोग की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी और आप लोग अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा है वो बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मिनिमम आप लोग का जो पैसा कम से कम ट्रांसफ़र होगा वो 20 रुपये ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे 25,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से एक लाइक और शेयर कर देना, चैनल में पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।